नर्मदापुरम से 30 अक्टूबर से प्रारंभ होते हुए आज 11वें दिन हमारे नगर बमनी बंजर में पहुंची है, जिसका मेन उद्देश्य हमारा समाज जो बिखर गया है उसको एक माला की तरह पिरोने का है। आज हमारे युवा वर्ग जो समाज से अलग अलग होते हैं उनको जागृत करने के लिए यह जनचेतना रथ यात्रा प्रारंभ हुई है। जन चेतना रथ यात्रा समाज को जोड़ने और संगठित करने के लिए चौरसिया जन चेतना रथ यात्रा आज बमनी बंजर से मंडला पहुंच रही है। विधिवत कार्यक्रम जिसमें दीप प्रज्वलित कर कुल देवता की पूजा की गई और बुजुर्गों का सम्मान किया गया। यात्रा की शुरुआत नर्मदापुरम होशंगाबाद से की गई है, जो पूरे प्रदेश का भ्रमण करते हुए नर्मदापुरम में वापस जाकर समाप्त होगी। मैं गौरव विक्की चौरसिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा, जन चेतना रथ यात्रा माँ नर्मदा के घाट नर्मदापुरम होशंगाबाद से इसकी शुरुआत हुई है और जहाँ पे भी हमारे मध्य प्रदेश में सजाति बंधु निवास करते हैं उन तक पहुँचने का हमारा संकल्प है। इस जन चेतना रथ यात्रा के माध्यम से हम सामाजिक जन चेतना जन जागृति प्रचलित करने का प्रयास कर रहे हैं और समाज को एक माला में पिरोने का हमारा संकल्प है। हम सबके आदि पूर्वज कुलगुरु चौरसी महाराज जी को हमारे घरों में जिस पूजा जाए, उन्हें स्थान मिले, जिस तरह से हर समाज के गुरुओं को कुलगुरु पूजे जाते हैं, हमारा भी ये हमारे समाज के लोगों से अनुरोध है और अन्य समाज के लोगों से भी अनुरोध है कि हमारे कुलगुरु भी पूजे जाएं।